अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल है, आज हम आ चुके हैं स्काई द चिल्ड्रन ऑफ लाइट के सबसे लास्ट डेस्टिनेशन पर, जिसमें हमें मरना पड़ेगा। मरना ज़रूरी है इसमें। तो कल मेरी वीडियो इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं इसका एक लेवल खेल चुका था, यानी मेरा मतलब जो है ये आई ऑफ इडन जो मैं खेल रहा हूँ, ये मैंने पहले से दूसरी बार यानी पहला अटेम्प्ट मैंने कर लिया था और इसके बाद ये मैं दूसरा अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, जो मुझे एक रैंडम दो दोस्त मिल गए उन्हीं के साथ है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे, तो इन्होंने मुझे पहुंचा दिया। भाई मेरे पास कोई कैंडल वगैरह नहीं थे कि मैं इनको दोस्त बना सकूं, लेकिन कुछ इमोट या इशारे वगैरह करके इनको मैंने समझा दिया कि भाई मुझे आई ऑफ इडन में जाना है। तो इनको एक तो एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने भाई मेरा हाथ थामा और मुझे बस ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं अभी आई ऑफ इडन में। तो ये ऊपर आई ऑफ इडन का जो मेन गेट है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए भाई आपको खामखा प्रोफेशनल बंदा चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने इनकी हेल्प ली, इनसे मैंने थोड़ी हेल्प मांगी कि भाई मुझे ऊपर तक जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो बड़े से श्रिम्प है या क्रिल से वो लोग आपको घेर सकते हैं और सारी लाइट आपकी छीन जाएगी। तो बाकी भी प्लेयर यहाँ पर है और ये मुझे यहाँ पर आई ऑफ इडन तक ले आया। एक आई ऑफ इडन का ये गेट है और इसके बाद उसका जो मेन गेट है, जो रियल आपकी जर्नी शुरू होगी आई ऑफ इडन की मेन जगह तक, तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आई ऑफ इडन की गेट पर पहुँच गया भाई। ओरिजिनल गेट ये है और उसके बाद दूसरा आगे है इससे। तो भाई ये देखो ऊपर बहुत ख़तरनाक सीन, वो सारे बड़े बड़े क्रिल्स जो हैं, श्रिम जो है वो हवा में उड़ रहे हैं, मॉन्स्टर बड़े बड़े, और इनकी लाइट से भी बचना है। जो मेन गेट आप ऊपर देख रहे हैं उस पर इनकी लाइटें पड़ रही हैं, बहुत सख्त पैरा दे रहे हैं ये लोग। तो भाई हम अभी ये बंदा मुझे लेकर जा रहा है यहाँ पर। एक तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, अगर आप उड़ेंगे तो हवा आपको उड़ा कर ले जाएगी, कई बार गिरा देगी आपको। और दूसरी बात, जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं, ये रेड वाली जो आपकी ऊपर जो एनर्जी है इनको भी ख़त्म कर दी है। और तीसरी बात, यहाँ पर एक जो पत्थरों का जो सैलाब टाइप है, पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं और अगर इन पत्थरों से आप टकरा गए तो सारी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी और फिर आपको लाइट का जो सोर्स है वो ढूंढना पड़ेगा, जो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ आपका दोस्त आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम इस टनल से गुजर रहे हैं भाई, और आप देख सकते हैं जैसे मैं रेड लाइट के करीब जा रहा था तो मेरी लाइट कमज़ोर पड़ गई। यहाँ पर जो है अभी दूसरा बंदा इसके साथ जो इसका दोस्त था, तो वो पत्थर से टकरा गया भाई और इसकी हेल्प के लिए ये यहाँ पर आ गया। तो उसकी हेल्प करने के बाद हम दोनों फिर से भाई आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हम अभी तूफ़ान के थमने का वेट कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, मैंने कभी इतनी लंबी वीडियो अपलोड नहीं की। कल मैं लाइव स्ट्रीम की भी सोच रहा था कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, लेकिन फिर मैंने इंटरनेट को देखा तो भाई इंटरनेट तो लाइव स्ट्रीम सपोर्ट नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि यहाँ पर केबीज़ में इंटरनेट आता है और वो सपोर्ट नहीं कर सकता लाइव स्ट्रीम को। तो इसी वजह से मैंने कल वीडियो स्किप कर दी, और रिकॉर्डिंग मैंने करके रखी थी पहले से ही, लेकिन मैं उस मिशन में फ़ेल हो गया, तो इसी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग वो जो है मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं बोर नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, क्योंकि दो दो वीडियोस हो जाएंगी और एक ही डेस्टिनेशन पर है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर क्रिल का जो क्रिल अपनी लाइटें भाई इधर उधर फैला रहा है, और ये मेन गेट है जिस पर बहुत सख्त सिक्योरिटी लगी हुई है। तो मेरा दोस्त यहाँ पर वेट कर रहा था, जिसका नाम मैंने हॉनेस्ट रख दिया है, तो यहाँ पर ये वेट कर रहा था कि कब ये जो बड़ा मॉन्स्टर है यहाँ से निकलेगा और हम लोग मौके की तलाश में होंगे भाई आगे जाएंगे। तो यहाँ पर ये मुझे सीढ़ियों पर ऊपर लेकर जाता है और भाई हम लोगों को स्पॉट कर लिया जाता है, लेकिन ये होशियार होता है, डायरेक्ट अंदर आके यहाँ पर छुप जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें पतले रास्ते से ऊपर जाना पड़ेगा, और हमारे साथ इसका दूसरा दोस्त भी है, वो भी हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है। ये दोनों मुझे सिर्फ उस मेन गेट तक ले जाते हैं जहाँ से मुझे अपनी जर्नी आगे अकेले शुरू करनी होगी। ये लोग भी मेरे साथ जा सकते थे, लेकिन इनके जो विंग्स थे वो खोना नहीं चाहते थे ये लोग, क्योंकि मेरा मिशन था, इनको सिर्फ इतना ही करना था कि मुझे मेन गेट तक पहुँचा दे। उसके बाद जो असली वाला मिशन है, जिसमें आपको बच्चों को लाइट करना होगा, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको लाइट करना होगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे जितनी डिसअपॉइंटमेंट मिली है स्काई द चिल्ड्रन ऑफ लाइट से, कि इस आखिरी लेवल में मुझे चाहिए था कि यानी कोई अच्छी नई डेस्टिनेशन हो भाई, लेकिन इसमें सभी को एक चीज़ करनी पड़ती है, वो होता है मरना भाई, आपको मस्ट हो मरना होगा, मरना आपका तय है।
तो यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन थे भाई, बहुत सारी लाइटें जल रही थी, तो मैंने भी कहा चलो मज़े हो गए, मैंने भी लाइटें कलेक्ट करना शुरू कर दी इन सब से। तो लाइटें मैं कलेक्ट करते करते भाई ये लोग मुझे आगे लेकर जा रहे हैं, और भाई मुझे इससे अंदाज़ा हो गया कि इतनी सारी लाइटें मुझे मिल रही हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा या रीज़न तो होगा इसके पीछे। तो ये भाई आपकी प्रिपरेशन थी आगे, क्योंकि बहुत सख्त हालात आने वाले थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ विंग्स रह गए और मैं अभी विंग्स कलेक्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। ये बंदा जो मुझे आगे मेन गेट तक पहुँचा रहा है, उसके बाद की जर्नी ये मुझे कहता है कि तुम अकेले ही तय करो। तो मेरे पास ना तो इस मैसेज के लिए कैंडल्स वगैरह थे ना कुछ, लेकिन जो इमोट है मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है वो, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे आखिरकार बहुत सारे जो विंग्स है वो मिल जाते हैं, और ये बंदा अब यहाँ से इशारे करने लग जाता है। तो मैं भी थोड़ा हैरान हो जाता हूँ कि इशारे क्यों कर रहा है बंदे, मैं कह रहा हूँ भाई आगे चलो, तो इसने क्रॉस कर दिया भाई। मैं तो समझ गया कि ये कह रहा है कि आगे जाओ और हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये लोग इस मिशन को अकेले नहीं करने वाले थे। तो मैं पीछे देख रहा था और इसने दो तीन बार इशारा किया, और यहाँ पर भाई मैसेज आ गया, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। और भाई ये मैसेज पढ़ने के बाद नहीं है, मेरा दिमाग बस घूम गया, मैं अभी आगे की तरफ देख रहा हूँ और पीछे की तरफ भाई कि चलो मेरे साथ। तो मैं भी समझ गया भाई कि ये लोग नहीं जा रहे, तो चलो इनको बाय बाय अलविदा करते हैं। ये बंदा मुझे हार्ड शर्ट दे रहा है कि गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, जाओ भाई। तो यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा उदास भी था मैं कि इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दोस्त बन गए थे वैसे भी, तो आगे बस अकेले जाना था। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी मैं था, क्योंकि मैं जब अकेले गया था एक बार, कल जब मैं गया था तो मर चुका था, मेरा मतलब मरा नहीं था लेकिन अपने बहुत सारे पंग मैं ऐसे ही गवा चुका था। तो यहाँ पर फिर से भाई वो देखो जो वॉल्केनो से ऊपर की तरफ लाइट जा रही थी वो वही है और जो हमें दूर से दिख रही थी, और वो आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो स्ट्रॉम आप देख रहे हैं वही है। तो यहाँ पर ये जो लाइटें हैं ये आगे नहीं है, और आपको इग्नाइट खुद करनी होगी, क्योंकि एक बार आप अगर मर गए तो आपको वापस आना पड़ेगा इग्नाइट करने के लिए इतनी दूर, तो जगह जगह पर आपको इग्नाइट करना होगा ताकि आपको यानी इतना पीछे ना आना पड़े। और ये जो चिल्ड्रन है, आप जो छोटी छोटी ये पुतलियाँ देख रहे हैं या स्टैचूज बच्चों की देख रहे हैं, इनको आपको इग्नाइट करना है। और यानी इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट मैं हुआ ना, मैं बात कर रहा था पहले, तो डिसअपॉइंटमेंट इस बात पे हुई कि आपको इन बच्चों को इग्नाइट करना है, और उससे यानी कुछ भी नहीं होगा, इग्नाइट करने से सिर्फ यही होगा कि आप मर जाओगे, ये जो स्ट्रॉम है आपके ऊपर गिरेगी, सारे पंख आप खो दोगे, और उसके बाद आपको मिलेंगी कैंडल्स। यानी इतनी ज़्यादा बंदा तगो दो करे, यहाँ पर जिद्दोजहद करे, इतना ऊपर आया, इतनी दूर जर्नी यानी तय करे, वो सिर्फ कुछ कैंडल्स के खातिर, ताकि आपको कुछ स्किन्स मिल सके इसमें, कपड़े वगैरह। तो उससे भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हुई और मैं नाराज़ हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो गेम की एंडिंग होती है ये वही है। तो उसी वजह से मैं अभी इस गेम को फिर अपने लिए खेलूँगा भाई, ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो मैं इसकी वीडियोस बाकी अपलोड नहीं करने वाला। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मेरी लाइट खो गई, वो पत्थर थे मेरे सर पे गिर गए, और मुझे वापस जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर जो बच्चों को इग्नाइट कर रहा हूँ वो अपने परों से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पहले से मालूम थी कि जो आगे जाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाकी भी स्ट्रॉम है। तो मैं यहाँ पर रोशनी के पास वापस आ गया, और यहाँ पर फिर से रोशन होने के बाद मैं वापस जाऊँगा इतनी दूर, और दूसरी जगह को इस तरह इग्नाइट करना होगा, क्योंकि बाकी चिल्ड्रन को भी इग्नाइट करना है। और आप देख रहे हैं भाई मेरी धीरे धीरे मेरी सारी एनर्जी जाती जा रही है, जो पर है मेरे सब विंग, तो ये जाते जा रहे हैं। मैं इसीलिए सब विंग को इतनी अहमियत दे रहा था पिछले हमारे जो जितने भी पार्ट गुजरे हैं, क्योंकि आपको इस आई ऑफ हिडन तक आने के लिए उसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं अभी बाकी चिल्ड्रन को भी इग्नाइट करने की फुल कोशिश में लगा हूँगा भाई, लेकिन यहाँ तक पहुँचने जैसे मैं पहुँच जाता हूँ ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, फुल लड़खड़ा रहा हूँ, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। अच्छा, तो मैं जैसे पहुँच जाता हूँ तो मुझे फिर से पत्थर पड़ते हैं सरों में, ये जो ऊपर से तूफ़ान आ रहा है ना, इसके ट्यूटोरियल मैंने कल भी देखे थे बहुत सारे। तो सीन्स कुछ ऐसे थे कि ये थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, यानी इसकी स्पेसिफिक टाइमिंग है, तो उसी टाइमिंग के दौरान आपको यहाँ से जाना पड़ता है। तो भाई हर तरफ से पत्थर पड़ रहे थे ना भाई, बहुत अजीब सीन हो रहे थे। तो मैं भी, शुक्र है मेरे पास लाइट थी, तो मैं यहाँ पर पहले आ गया, इस जगह को इग्नाइट किया और अपने लिए रास्ता क्लियर किया, और फिर इस जो बच्चा था इसको भी वो किया मैंने,
यहाँ पर टोटल 63 स्टैचूज हैं बच्चों के, तो अगर आपने 63 के 63 को इग्नाइट कर लिया तो 16 या 15 कैंडल मिलेंगे आपको, जिनको असेंडिंग कैंडल कहते हैं। तो उसी से आप फिर अपने लिए सब कुछ परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो मेन मकसद इसका यही था कि यहाँ पर आके भाई मैं मर जाऊँ। तो इतनी लंबी वीडियो है, यहाँ पर मैंने इतनी ज़्यादा ख्वारी की भाई, मैंने किस वजह से की, सिर्फ इन चीज़ों के लिए। तो मैं वीडियो आगे की तरफ थोड़ी सी स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो अभी। तो यहाँ पर अभी मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने के बाद मैं आ गया, और यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन थे तो भाई मैंने उनको अपने परों में से दे दिया, क्योंकि मुझे इग्नाइट करने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ा पढ़ना था, तो भाई मुझे तो जाना नहीं था पीछे, और यहाँ पर मैंने अपनी जो एनर्जी है उनको दे दी, और इन तीनों बच्चों को मैंने इग्नाइट कर दिया। और बाकी जो रहे 40 चिल्ड्रन थे कि भाई कितने रहते थे, वो सब अपनी जगह पे रह गए, और धीरे धीरे आवाज़ स्लो होने लगी। जो स्ट्रॉम है वो भी मुझे कुछ नहीं बोल रहा, और अंधेरा छाने वाला है भाई। जो स्क्रीन है वो धीरे धीरे काली हो रही थी, और मैंने पीछे देखा भाई वोल्केनो की तरफ, तो उससे तो रोशनी जारी थी अपनी। तो यहाँ पर अभी बस जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो गई, और गेम जो है यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी एनिमेशन है। तो यहाँ पर भाई मुझसे कोई रोशनी जैसी चीज़ बन गई, और यहाँ पर मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे मैं भी गिरूँगा, और मेरे जैसे जो एक और मेरा जो रिफ्लेक्शन होगा या जो भी होगा वो मुझसे मिलेगा भाई। तो यहाँ पर मैं उड़ गया, और आगे एक रोशनी दिख रही है मेरी जैसे किसी सोल की, तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा भाई, थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा इधर उधर हुआ और जंप करने की कोशिश की, लेकिन पर वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इसी वजह से मैं उड़ नहीं सकता। तो आगे की तरफ मैं बढ़ने लगा भाई, और पीछे भी देखा मैंने कुछ है कि नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ काला स्पेस और आगे ये जो रोशनी थी यही थी। तो मैं इसकी तरफ लपका भाई कि चलो इसी से कुछ मिल जाएगा, चलो आगे जाओ। तो यहाँ पर चहलकदमी हो रही है भाई, और ये मैं नज़दीक पहुँच गया इसके, पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबा हुआ है। तो इसने मुझे हाथ दिया भाई, तो मैंने भी इसका हाथ थाम लिया, चलो क्या करता है। तो यहाँ पर हग करने का ऑप्शन आया, और मैंने इसको हग भी कर लिया भाई, कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो गए ये तो हग ही कर लिया डायरेक्ट। तो चलो मैंने कहा चलो भाई हग ही कर लेते हैं इसको। तो हग करने के बाद ऊपर देखो भाई, मेरे जितने पर थे सब वापस लौट आए, और यहाँ पर जो वॉल्केनो से ऊपर रोशनी जा रही थी उसी के मैं पास आ गया, और भाई ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पर अभी देखो जितने बच्चों को मैंने इग्नाइट किया था वो सब बच्चे आज़ाद हो गए, और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो जो रोशनी निकल रही है, मैं अभी वहीं पे था जो वॉल्केनो से रोशनी निकल रही थी, तो मैं भी वहीं पे था और आगे की तरफ बढ़ रहा था भाई। मेरा दोस्त, मैं जब पहले अकाउंट से खेल रहा था तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी बच्चों या इन स्टैचूज वगैरह को लाइट करने की या कुछ भी, लेकिन मेरे साथ एक दोस्त था, वो बस इस वॉल्केनो के अंदर जाना चाहता था जो ऊपर से लाइट जो वो हो रही है। तो मैं भी उसी के साथ था, एक साथ हम दोनों गए भाई, लेकिन तूफ़ान जो था ना वो अनस्टॉपेबल था भाई, बहुत ज़्यादा गंदा आसमान से भाई वो बरस रहा था और हम पे पत्थर बरस रहे थे। मेरे पास इस नॉर्मल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा विंग्स थे जो बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कल बने हुए थे, तो भाई सब विंग्स भी खो दिए और हमें कुछ दिखने को भी नहीं मिला, क्योंकि आगे की तरफ सिर्फ एक विंड वॉल है जो आपको अंदर जाने नहीं देगी, मतलब हवा की एक ऐसी लहर टाइप है, अंदर आपको जाने नहीं देगी, आप जगह पर रुक जाओगे। तो वो डिसअपॉइंटमेंट की बात थी पहले तो मैंने जो स्काई खेला था, और उसके बाद मैं समझ गया भाई कि सिर्फ चिल्ड्रन को लाइट करके आपको कैंडल हासिल करने। अच्छा, तो यहाँ पर जो आगे अभी जितनी भी एनिमेशन है उसमें जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो एयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। मैं अभी वीडियो की जो साउंड है, वीडियो का जो साउंड है वो हाई करने वाला हूँ, तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं एयरफोन लगा के, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वॉइस ओवर मैं नहीं दूंगा इसके दौरान, तो आप सुनिए। Thank you.
पीस। Thank you.